इस वक्त की बड़ी खबर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से बीएनसी न्यूज़ पर देख सकते हैं, जहां पर शहर इमाम हज़रत इकरामुल्लाह बुखारी ने एक जनरल अपील जारी की है, जहां पर शहर का माहौल बिगड़ गया था उसको उन्होंने कंट्रोल किया था रात में, और उन्होंने आज सुबह ही बीएनसी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि मैं शहर की जनता से अपील करता हूँ कि वो अमन और शांति शहर में बना रखे। ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से बीएनसी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। देखिए, कल जो कुछ भी मामला हुआ है शहर के अंदर वो इंतहाई अफसोस वाला मामला है। इस मामले के अंदर सभी के दिल दुखे हुए हैं, बहुत बेइंतहा अफसोस है। ये कोई छोटा मोटा मामला या कोई ज़रा सा मामला नहीं है, और सबकी यही ख्वाहिश है कि इसमें सख्त तरीन कार्रवाई होना चाहिए, क्यों कि अगर इसके अंदर सख्त तरीन कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे मामले होते रहेंगे। तो मेरी हर दो तरफ मेरी गुजारिश है कि इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ में लें, और दूसरा ये भी कहना है मेरा कि इस शहर के अमन सुकून और भाईचारगी की तरफ भी ध्यान दें। एहतजाज में एहतियात लाजिम है। इस्लाम कहीं भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इसमें कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि जिससे इज्तिमाई तकलीफ वाक़े हो। इन्फिरादी फेल को इज्तिमाई तकलीफ नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा मैं इस शहर के तमाम ही अफराद, तमाम ही लोगों और ख़ास तौर से मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो संजीदगी इख्तियार करें, एहतियात बरतें, जज्बात में ना आएं, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने जो अभी तक की कार्रवाई की है हम उसको बहुत बारीकी के साथ में देख रहे हैं। आगे अगर हमारे को ऐसा लगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जो भी कदम उठाएंगे वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बहुत संजीदगी समझदारी से के साथ में काम करें। और इसके अलावा इस शहर के तमाम ही लोगों से, जिसमें हिंदू मुसलमान सब से मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो इस शहर की भलाई और बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि ये शहर गरीबों का शहर है, अगर उनकी भलाई और बेहतरी चाहते हैं तो ऐसे कोई काम ना होने दें कि जिससे आपको भी तकलीफ पहुंचे और हमको भी तकलीफ पहुंचे। आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर ख़ास तौर से गौर करें। और एक और मेरी दरख्वास्त आज है इस शहर के तमाम संजीदा समझदार लोगों से, तमाम हिंदुओं और तमाम मुसलमानों से, कि बराए मेहरबानी वो अपने बच्चों पर बहुत ख़ास तौर पर नज़र रखें। आप बड़े लोग तो एक तरफ रह जाते हो और ये बच्चे जो है तो गलत हरकत कर जाते हैं, जिसकी वजह से सबको ये खमियाजा भुगतना पड़ता है, सबको मुसीबत उठाना पड़ती है। तो लिहाजा सबका काम है ये कि वो अपने अपने बच्चों पर बहुत बारीकी के साथ में ध्यान दें, ताकि इस किस्म की घटना आइंदा ना हो सके, इस पर बहुत आप ख़ास तौर से ध्यान दें और बहुत बारीकी के साथ में नज़र रखें, क्यों कि ये अमन व शांति का शहर है, सूफ़ी संतों का शहर है ये, लिहाजा
मेरी एक बार फिर आप तमाम हजरात से अपील है, दरख्वास्त है कि आप वो ये इस बात की तरफ ख़ास तौर से दें। रहा सवाल शासन और प्रशासन से, भी मेरा निवेदन है, मेरी दरख्वास्त है कि वो भी बहुत बारीकी के साथ में इस मामले को लें, इसको कोई हल्के में लेने की कोशिश ना करें और जो सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई हो सकती है उसको अंजाम दें। अगर आप लोग सख्त तरीन कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। मैं बहुत वाज़ह तौर पर आप हजरात को भी बोलना चाहता हूँ, तो लिहाजा हमारे सब के सुकून के लिए, अमन के लिए आप लोग जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई करें। एक बार फिर मैं आखिर में, और मेरे साथ में ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, शहर के जितने भी ज़िम्मेदार तरीन अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारी सब का भी यही कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट, उनका सबसे पहला ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सख्त तरीन कार्रवाई करें। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्यों कि आप ही लोगों के हाथ में इस शहर का अमन और सुकून है। तो और शहर के मैं तमाम ही मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो समझदारी से काम लेते हुए संजीदा हो जाएं, जज्बात में, बहकावे में ना आए वो। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो संजीदगी और समझदारी के साथ में जो है ये तमाम कामों को बेगौर करेंगे। बहरहाल मैं सबके लिए दुआगो हूँ और मैं ये जितने मेरे पास अभी सब शहर के लोग आए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बिल्कुल। और एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ कि वो ज़रा सुकून में आ जाएं, संजीदा समझदार हो जाएं। खुदा हाफिज़।